गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास एट में कार्बनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बारे में हमने पढ़ा। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के अंदर अपन ने मिनरल कोल से कार्बन गैस, कोल टार और कोक को अलग किया था। जब अपन ने मिनरल कोल को अलग अलग टेम्परेचर पर हीट किया तो उससे अपने को क्या मिलता है, कार्बन गैस मिलती है, कोल टार मिलता है और कोक मिलता है। तो अब उन्हीं का यूज़ हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कोक। कोक का यूज़ अपन कहाँ कर सकते हैं? इट इज़ यूज्ड एज हाउस होल्ड फ्यूल। कहाँ पे कर सकते हैं? हाउस होल्ड फ्यूल के अंदर, घरेलू फ्यूल्स जो होते हैं जैसे चूल्हे वगैरह, वहाँ पे अपन किसका यूज़ कर सकते हैं? कोक का यूज कर सकते हैं। सेकेंड है, इट इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज आयरन, कॉपर, टिन एंड जिंक, एज इट इज एन एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब क्या है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मतलब जो मेटल्स अपने को मिलते हैं अर्थ से वो इम्प्योर मिलते हैं, ठीक है। उसमें जो इम्प्योरिटी को कम करने के लिए, इम्प्योरिटी को रिड्यूस करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं बेटा? कोक का यूज करते हैं, तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मेटल, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, जिंक हो गया, ये मेटल को अपने को प्योर करना है तो अपन किसका यूज करते हैं? कोक का यूज करते हैं। थर्ड है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, इसी को अपन बोलते हैं वाटर गैस, है ना। तो वाटर गैस के मैन्युफैक्चर के लिए अपन किसका यूज करते हैं? कोक का यूज करते हैं। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है ये किसका है? कार्बन का ही फॉर्म होता है, ठीक है, कार्बन का ही फॉर्म होता है। इसका मैन्युफैक्चर, है ना, इसके मैन्युफैक्चर में भी अपन किसका यूज करते हैं? कोक का यूज करते हैं। कार्बन जो ग्रेफाइट है, जो अपने पेंसिल की लीड में भी होता है, है ना, ग्रेफाइट, और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट के अंदर, ग्रेफाइट के मैन्युफैक्चर में अपन किसका यूज करते हैं? कोक का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं यूजेज ऑफ गैस कार्बन। गैस कार्बन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं अपन, ठीक है। इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का ये अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स फॉर ड्राई सेल्स। ड्राई सेल्स जो अपने रिमोट में, टीवी के रिमोट में, ठीक है, उनमें जो सेल्स होते हैं उनको अपन ड्राई सेल बोलते हैं। उसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के अंदर अपन किसका यूज करते हैं बेटा? गैस कार्बन का यूज करते हैं। उसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं अंदर, ठीक है, एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है जिसको अपन इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होता है या पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके अंदर अपन किसका यूज करते हैं बेटा? कार्बन गैस का, ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड इन ए मेकिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल्स फ्रॉम इट्स मोल्टन बॉक्साइट ओर, ठीक है। इसका यूज अपन कहाँ करते हैं? बॉक्साइट ओर होती है जो अपने को अर्थ से मिलती है, ठीक है, उसके अंदर से अपन एल्यूमिनियम मेटल को अलग करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं बेटा? कार्बन गैस का यूज करते हैं, है ना। बॉक्साइट ओर जो जिसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटी होती है उसके अंदर से एल्यूमिनियम मेटल को अलग करने के लिए या प्योर, है ना, एल्यूमिनियम को प्योर करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? कार्बन गैस का यूज करते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि यूजेज ऑफ कोक और यूजेज ऑफ गैस कार्बन। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कोल टार।